गुड इवनिंग फ्रेंड, माय नेम इज आशीष कुमार गुप्ता एंड परमिट्स। गुड इवनिंग फ्रेंड, माय नेम इज आशीष कुमार गुप्ता, आई फाउंडर ऑफ द यूजिन एकेडमी एंड यूजिन डॉट इन। यूजिन डॉट इन इज एक ब्लॉग फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंप्लायंसेस एंड फार्माकोपोलॉजी सिस्टम लाइफ साइकिल अप्रोचेस। सो टुडे आई एम प्रिपेयरिंग माय फर्स्ट वीडियो सेक्शन, सो आई विल डिस्कस अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम लाइफ साइकिल डॉक्यूमेंटेशन। अप्रोच ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट इज यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, तो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि यूआरएस क्या होता है और उसको हम यूआरएस डिस्कस करूंगा और उसकी कंप्यूटर सिस्टम लाइफ साइकिल डॉक्यूमेंटेशन में उसकी इंपॉर्टेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, लाइफ साइकिल अप्रोच के बारे में डिस्कस करूंगा, तो मेनी मोर क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में रहते हैं उन सब के बारे में आपसे आज डिस्कस करूंगा। इफ एनी केस आपको कोई डाउट्स नहीं है, डाउट्स रहता है तो मेरे यूट्यूब चैनल से यूजिन यूजर्स उस पर आप अपना कमेंट पास करके मुझे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं मैं और सकते हैं। और मेरी वेबसाइट है www.yugin.in, उस पर भी आप कमेंट सेक्शन में जाके उसमें मेरा एक स्मॉल कंटेंट है, उसमें भी आप ऑल्सो रीड कर सकते हैं। और कोई डाउट्स आपको रहता है इस वीडियो सेक्शन के अंत में आप कमेंट्स में डाउट कर सकते हैं और वेबसाइट पे कमेंट्स में डाल सकते हैं, सो डाल सकते हैं। तो इस वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लास्ट में आपको मैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो सो फ्रेंड्स, मैं आप डिस्कस करता हूँ यूआरएस के बारे में डिस्कस में आपसे करता हूँ। तो यूआरएस क्या होता है? तो यूआरएस का फुल फॉर्म होता है यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो मैंने क्वेश्चन रहते हैं यूआरएस डॉक्यूमेंट, हम फार्मास्यूटिकल कंप्लायंस में हम यूआरएस की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि यूआरएस का इम्पोर्टेंस है। जैसे कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट ये कंप्यूटर सिस्टम लाइफ साइकिल डॉक्यूमेंट एक्टिविटीज अप्रोच में ये पहला डॉक्यूमेंट हो सकता है। इसके ऊपर भी डॉक्यूमेंट होता है सिस्टम बाउंड्री डॉक्यूमेंटेशन रहता है, उसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा सिस्टम बाउंड्री के बारे में। तो पूरा तो आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूआरएस के बारे में, डिस्कस करने वाला हूँ कि यूआरएस है वो क्या है, यूआरएस कैसे बनाते हैं, यूआरएस को क्यों बनाते हैं और यूआरएस की इम्पोर्टेंस लाइफ साइकिल डॉक्यूमेंटेशन में क्यों पड़ती है, ये सब चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यूआरएस होता क्या है। तो यूआरएस क्या होता है मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो यूआरएस का फुल फॉर्म होता है यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मींस जो आपकी नीड्स हो या जो आपकी जरूरत हो उन जरूरतों को एक डॉक्यूमेंट पर लेके आना, एक डॉक्यूमेंट है में लिखना, एक कागज पे लिखना, एक पेपर पर लिखना होता होता है यूआरएस। एक जनरल टर्म्स की बात करता हूँ, नॉट एज ए फार्मास्यूटिकल कंप्लायंस, नॉट एज ए अक्रेडिटेशन अप्रोच, पार्ट ऑफ दिस डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कंप्यूटर खरीदना है और उस कंप्यूटर की जरूरत क्यों आपको पड़ी, पेपर पे शॉप डालना है तो सॉफ्टवेयर जरूर पड़ने वाली है आपको। सॉफ्टवेयर मान लो कि आपको एक फोटोशॉप शॉप डालना है तो आपको एक शॉप डालने के लिए आपको एक सिस्टम जरूर पड़ती है। तो आप उस सिस्टम को देखते हैं कि मुझे कंप्यूटर की नीड है, उसमें को इतनी जी बी हार्ड डिस्क जरूरत पड़ रही है, इतनी जी बी रैम जरूरत पड़ रही है, मुझे फॉलोइंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ रही है। तो आपकी क्या होगी, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है, एक नीड है, आपकी जरूरत है। आप एक दुकानदार के पास आओगे, आप इस लिस्ट की आप लिस्ट बनाओगे, लिस्ट बनाने के बाद सॉफ्टवेयर को आप दोगे तो आपकी रिक्वायरमेंट्स को आपको अंडरस्टैंड करेगा, उस रिक्वायरमेंट के बिहाफ पर आपको सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिजाइन कर देगा। तो आपकी जो पेपर पे रखा आपका डॉक्यूमेंट ग्राहक ने दिया हुआ वो एक यूआरएस को प्रोस कर दिया। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए था। तो अब आपको डिस्कस करता हूँ कि यूआरएस रियल यूआरएस बात करने जा रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट है। कंप्यूटर लाइफ साइकिल जो अप्रोच है उसमें इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्यूटर लाइफ साइकिल अप्रोचेस। सो दिस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपको मेनी डॉक्यूमेंट को आप ट्रैक कर सकते हो। यूएस डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेटरी गाइडलाइन
कंप्यूटर सिस्टम की गाइडलाइन है हर कॉलेज की अलग अलग है और उन गाइडलाइन को कंप्लाई करना बहुत जरूरी है। कंपनी को अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी और ऑडिट होगा ऑडिट पास कराना है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स उनकी गाइडलाइंस उनकी नीड्स को हमें बहुत जानना बहुत जरूरी है और उनकी रिक्वायरमेंट्स को हमको अपने सिस्टम के अंदर लाना होता है या सिस्टम के अंदर फॉलो कराना होता है, सिस्टम के अंदर पूरी पूर्ति करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल एक इसी गाइडलाइन ने बोला कि हमको आपके सिस्टम के अंदर आपका जो डेटा है जो बैच चल रही है उसका डेटा मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अब उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना है, डेटा मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए, क्या बोलोगे पीडीएफ फॉर्मेट करना चाहिए, तो आप कहाँ पर सिस्टम में कर रहा है डॉक्यूमेंटेशन, तो फार्मा सेक्टर में हर चीज डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होती है, पॉसियर के अंतर्गत रहता है, तो पॉसियर में कहाँ लिखा है, पॉसियर में कहाँ पर है, कहाँ पर मेंशन है, आपने ऐसा कहाँ लिखा हुआ है और वो पॉसियर को अप्रूव किसने किया है। अब ऐसा बोल आपने बोला ठीक है ओके, पर प्रूफ एविडेंस आपने कैसे क्या दिया, आपने कंप्लाई हो चुका है, आप लोगों को भैया मैंने सिस्टम में ये लेवल डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटी है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है मैंने आपकी रिक्वायरमेंट को मैंने बनाया है, वो बना के मैंने अपने जो मशीन से जो मैंने मशीन खरीदा है उसको मैंने दिया है, उसने आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके मेरे को दिया है। कैसे दिया है, क्योंकि यू आर एस के बेस पर दिया है, उस यू आर एस के अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट आपने टेस्ट किया आपकी जो यू आर एस की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हुई की नहीं हुई है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट लाइफ साइकिल वैलिडेशन लाइफ साइकिल डॉक्यूमेंट बनते हैं, चाहे आपका आई क्यू हो चाहे ओ क्यू हो चाहे आर टी एफ हो चाहे समरी रिपोर्ट हो चाहे आपका टेस्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन हो आपका या आपका एफ आर ए मान लो या आपका एफ एक्स कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे विदाउट यू आर एस के आप नहीं बन सकते, वैलिडेशन एक्टिविटीज शून्य निल विदाउट एनी विदाउट यू आर एस, आप विदाउट यू आर एस से कोई डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते कर सकते ना, आप ट्रैक ही नहीं कर सकते, आपकी रिक्वायरमेंट का बेसिक नीड ही नहीं है। आपने बोला कि मैंने फॉर एग्जाम्पल आपकी रिक्वायरमेंट पड़ी तो आप कैसे ट्रैक करोगे, मैंने मांगा था नहीं है, तो यूआरएस के आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, तो यूआरएस का इतना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। अब कोई भी आप कंप्लेशन वेडिशन करने जाओगे विदाउट यूआरएस के आप नहीं कर, हाँ बहुत सी कंपनियों में कर देते हैं पर वो एक्यूरेट मेथड नहीं है, विदाउट आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर आप सिस्टम न्यू सिस्टम है तो न्यू सिस्टम का आपको यू आर एस अकॉर्डिंग लेके ही जाओगे, तो अगर आपका ओल्ड सिस्टम है तो आपको उस सिस्टम के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को बेहतर लेना पड़ेगा और उन रिक्वायरमेंट को एक डॉक्यूमेंट गैप असिस्मेंट ये रेडी करना पड़ेगा, उस गैप असिस्मेंट सिस्टम पर जाके हम उसको सिस्टम चेक करेंगे कि फॉलोइंग रिक्वायरमेंट कम्प्लाइड है या नहीं है, ये सब सिस्टम पर जाकर चेक करेंगे, तो आपको गैप असिस्मेंट या आपका यू आर एस का पार्ट हो जाता है। तो बात कर रहा हूँ लेगेसी सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यू सिस्टम की बात कर रहा हूँ, या उस लेगेसी सिस्टम को कह सकते हैं कि मेरा यू आर एस की रिक्वायरमेंट है, उस यू आर एस की रिक्वायरमेंट मैंने गैप असिस्मेंट को रेडी किया, उस गैप असिस्मेंट के वजह से मैंने सिस्टम को चेक किया और मेरा और सिस्टम को अप्लाई कराया, उस व्यक्ति मैंने आई क्यू डॉक्यूमेंट पैसे दिए, एक अलग अप्रोच हो जाती है। तो एक वैलिडेशन की अप्रोच जिसकी मैं अलग वीडियो से बनाऊंगा, जिसमें बताऊंगा वैलिडेशन अप्रोच के बारे में बताऊंगा वैलिडेशन अप्रोच क्या होती है। तो टेस्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ सेक्शन यूआरएस का डिस्कस करता हूँ, तो यूआरएस का इम्पोर्टेंट कितना है, आप विदाउट एनी यूआरएस के वैलिडेशन अप्रोच को कंप्यूटर सिस्टम लाइफ साइकिल अप्रोच को या एचटीएलसी डॉक्यूमेंट अप्रोच को आप फॉलो नहीं कर सकते, दैट्स इट, तब ध्यान रखें, तो आपको यूआरएस बनाना पड़ेगा।
आपको यूआरएस कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगा। यूआरएस की रिक्वायरमेंट को एक पेपर पे कैसे लेके आओगे मैं आपको बताऊंगा फिर टेम्पलेट के साथ। तो आप इजीली समझ सकते हो कि यूआरएस का इम्पोर्टेंस कितना है, आपकी रिक्वायरमेंट्स को कैसे कर सकते हैं। आप गाड़ी लेने जाते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे को 180 cc की इंजन की गाड़ी चाहिए, मुझे हैवी गाड़ी चाहिए, मुझे यहाँ पर लगाना है, मुझे वहाँ पर लगाना है, इसलिए रिक्वायरमेंट। आप बोले आपसे कोई गाड़ी भी आप वो गाड़ी खरीदी आपने और उसका तो ये हमारी गाड़ी तो बहुत हैवी आ रही है, तो प्रूफ कंपनी भी लिख के देती है 1,000 cc की 3,000 cc, दिस इज एविडेंस कंपनी के लिए, आप कंप्लेन कर सकते हो। तो इसी प्रकार यूआरएस अकॉर्डिंग आपका जो ऑडिटर रहता है आपके सिस्टम को चेक करता है, सिस्टम को चेक करता है, आपकी रिक्वायरमेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को चेक करता है। तो यूआरएस एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर कंप्रेसर लाइफ साइकिल। सो मैं आपसे यही डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको यूआरएस कैसे बनाना है, गाइडलाइन अकॉर्डिंग क्या बनाना है। तो CFR 21 Part 11 गाइडलाइन, U1 Actuarial 11, मैनी मोर एनवीएसआर शेड्यूल एम गाइडलाइन, PGA, मैनी मोर गाइडलाइन, हर कंपनी की अलग अलग गाइडलाइंस है, FDA की अलग गाइडलाइंस है, DGA की अलग गाइडलाइंस है, लाइफ साइकिल के ऊपर सबकी अलग अलग है, पर सभी गाइडलाइंस का एक बेस है, सबकी कॉमन रिक्वायरमेंट है, सबकी रिक्वायरमेंट आपस में कोरिलेटेड करती है। जैसे कि डेटा कोई डेटा मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए, रिक्वायरमेंट USFDA की रिक्वायरमेंट है, Annex 11 की शेड्यूल, हर गाइडलाइन बोलती है आपका जो डेटा मॉडिफाइड नहीं है, किसी भी कॉमन रिक्वायरमेंट डेटा आपका है सिक्योर होना चाहिए, अनऑथराइज्ड पर्सन उस पर एक्सेस नहीं करना चाहिए, इसी तरह रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सिस्टम प्रोटेक्शन होना चाहिए, घर के घर के वायरस आपका अटैक नहीं करना चाहिए, अनऑथराइज्ड पर्सन आपका अटैक नहीं करना चाहिए, आपका रिक्वायरमेंट डेटा मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए, रिक्वायरमेंट हर व्यक्ति जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका उसका एक्सेस आपके सिस्टम में लॉग होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, मैं आशीष गुप्ता कोई भी काम को काम करूंगा, मैं जाके कुछ भी कर दूं अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नहीं है क्या होगा, मशीन गलत आउटपुट आएगा। जो अपन फाइनल लाइफ साइकिल ट्रक से काम करते हैं, जो ह्यूमन बींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिगड़ जाएगा, यूजर यूज करेंगे लॉसेस ऑफ पीपल्स और बहुत जनहानि होगी। तो हर चीज से ट्रैकिंग होना चाहिए, ट्रैकिंग क्यों लेके आया, पहले ट्रैकिंग नहीं थी हर चीज के लिए, सिस्टम के लिए ट्रैकिंग नहीं, सिस्टम में ट्रैकिंग नहीं थी, कोई व्यक्ति आके एक्सेस कर सकता रहा था, बस कोई व्यक्ति आके एक्सेस कर रहा था, कोई ट्रैकिंग नहीं था, तो उन सब चीज़ों को देखा रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने और उन चीज़ों को अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि सिस्टम आपका सिक्योर होना चाहिए, डेटा मैनिपुलेशन में चाहिए, जो फॉर्मेट आप रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो वो जो जनरेट रिपोर्टेड आप मैनुअल बेस को मैनुअल बेस कुछ भी लिख रहे हो आप अपना, तो हैंड रिटन पॉसिबल नॉट अलाउड, जनरेटेड होना चाहिए, ये सिस्टम को जनरेट करना चाहिए, ये एविडेंस। तो लॉजिक वेरिफिकेशन भी होता है, लॉजिक भी वेरीफाई करना चाहिए, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट है, उन सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर लेके आके अपने जो OEM है या मैन्युफैक्चरर है उससे खरीदना, उसे लेके आना, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई करना। इफ एनी केस कोई भी ऑडिटर अगर आता है आपके पास, अभी कंपनी विजिट करने आता है, तो आपकी सबसे पहले लाइफ साइकिल डॉक्यूमेंट का URS विजिट देखेगा, जबकि रिक्वायरमेंट सिस्टम आपने खरीदा है या लगाया है लेगी सिस्टम, उससे आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या बताइए, और रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग आपको वो IQ चेक करेगा आपने फॉर्म कहाँ पर ऐसा। तो आपको URS सावधानी पूर्वक बना, लोग URS को माइंडली नहीं लेते हैं, तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक बनाना है URS को, और उसकी रिक्वायरमेंट को आपको पूरा कंप्लाई करवाना है, रेगुलेटरी बॉडीज की गाइडलाइन है उस रिक्वायरमेंट को आपको URS को अपना बनाना है, अंडरस्टैंड करवाना है और बना, बहुत इंपॉर्टेंट है URS के लिए। तो सबसे पहले बात मैं करता हूँ कि URS को बनाना कैसे, कैसे फैक्टर देखो, सबसे पहले आप सबसे URS बनाने के लिए सबसे पहले आप देखो इनिशियल स्टार्ट करो, आपको एक मशीन खरीदना है, एक एग्जाम्पल दूंगा आपको एक कंप्रेशर मशीन खरीदना है, तो आप कंप्रेशर खरीदना है मशीन की रिक्वायरमेंट्स, तो आप अपार्ट ऑफ दिस कंप्यूटर सिस्टम से आप कंप्रेशर की बात करो, कंप्रेशर एक्सपर्टाइज CSV इंजीनियर है, आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे करना चाहिए,
सबसे पहले आता है कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के बारे में क्या कहना चाहिए आपसे? रिक्वायरमेंट होती है जब कंप्यूटर चाहिए, फ्लैंक प्रूफ चाहिए, कोई डिजास्टर का विधान करना है ना, फायरफॉक्स ना हो जाए, फायर ना लग जाए, उसके अंदर फ्लैंक प्रूफ आईपीसी चाहिए, वेब प्रूफ आईपीसी चाहिए। इसके अंदर इंडस्ट्रियल अक्रेडिटेशन अप्रूव प्रोसेसर होना चाहिए, इतने जीबी का हार्ड डिस्क होना चाहिए, इतने जीबी रैम होना चाहिए, विंडोज ये होना चाहिए, विंडोज 7-8 ऑफ कर सकती है, ऐसा कुछ देख सकते हैं आपको जो चाहिए आपको लिखना है एक पेपर पर लिख गया। सिस्टम नॉट जनरेटेड नॉन एडिटेबल फॉर्मेट, मतलब सिस्टम हमारा पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए, इसी का रिक्वायरमेंट एक्सेल शीट चाहिए, वो भी आगे मॉडिफाई कर देगा तो सिस्टम को जैसे जनरेटेड नॉन एडिटेबल फॉर्मेट। अनऑथराइज्ड पर्सन एंट्री करता है सिस्टम में जाता है, उसकी ऑडिटर एंट्री गिननी चाहिए, इसी रिक्वायरमेंट ट्रैकिंग होना चाहिए, अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं करना चाहिए, पासवर्ड पॉलिसीज होना चाहिए। तो जब सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है तो आपके सॉफ्टवेयर के बारे में आता है, सॉफ्टवेयर भी आपका फुल फुल कंबाइन करना चाहिए, डेस्कटॉप पे नहीं चाहिए, हार्ड डिस्क करना चाहिए, हार्ड डिस्क पे हार्ड डिस्क अटैच नहीं करना चाहिए, अनऑथराइज्ड पर्सन को डेट एंड टाइम चेंज नहीं करना चाहिए, दिस इज योर रिक्वायरमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो मैनी मोर रिक्वायरमेंट आर अवेलेबल आर शुड बी रिक्वायर्ड इन दिस एडिशनल। तो जो रिक्वायरमेंट्स है डेटा सिक्योरिटी रिलेटेड रिक्वायरमेंट है आपका डेटा डेटा आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको कंप्लाई करवाना है, आपको यूआरएस के अंदर कंप्लाई करना ही करना है। मेन सिस्टम को आपको ऐसा करना है कि अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ही नहीं कर सके, एडमिन को भी इंस्ट्रिक्शन देना है कि एडमिन भी डेटा मैनिपुलेट नहीं कर सकते, डेटा रीड भी नहीं कर सकते। तो वैसे ऑथराइजेशन ओईओ के पास रखना है, वैसे ऑपरेटर को देना है, वैसे करवाइयर देना है, वो सब चीज़ें एक यूआरएस के अंदर लिखना है कि ये फलाना ऑथराइजेशन इसके पास रहना चाहिए, लिखाना है किसके पास रहना चाहिए, सब एक अप्रोच के अंदर रहना चाहिए यूआरएस के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ कि यूआरएस को आपको कैसे बनाना है, आप अंडरस्टैंड तो कर ही सकते हो कि आपको एवरी रिक्वायर सिस्टम, आप एक आईटी इंजीनियर है, अंडरस्टैंड करो, तो आपको मैं बताता हूँ कि आपको कैसे बनाना चाहिए। लेट्स सी माय वीडियो सेक्शन, एक मेरा टेम्पलेट आपको सामने रख रहा हूँ, टेम्पलेट है यूआरएस का, सिंपल टेम्पलेट है, ज़्यादा मददगारी नहीं है, आप इसे समझ आपको समझना है। अगर आपको यू पे ना ऑल्सो आपको अगर टेम्पलेट चाहिए यूआरएस का, आपको बनवाना है यूआरएस, तो आप उसे कॉन्टैक्टली कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आप कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, आपको ऑलरेडी बना के दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा टेम्पलेट होता है, तो बना के देना है रिक्वायरमेंट फॉर किस मशीन के लिए चाहिए, मैं आपको बना के मैंने सिंपल सा है, मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है, आप उसको समझ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कैप्सूल मशीन खरीदना है, तो कैप्सूल मशीन खरीदने के लिए मेरे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो अब जो यू आर एस बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, आप वो कैप्सूल फिलिंग मशीन के लिए बना सकते हो, बना रहे हैं कैप्सूल फिलिंग मशीन, ठीक है। तो अब उनका डॉक्यूमेंट नंबर लिखो, आपको जो भी डॉक्यूमेंट नंबर देना है आपको, हाँ इसके लिए आपको क्या साइट आइडी से मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट की आपको तो अलग वीडियो में बता दूंगा बनाऊंगा मैं, जिस मेरा फर्स्ट जो यूआरएस है बता रहा हूँ आपको, वेबसाइट पहले से मास्टर प्लान में आपको हर चीज़ के बारे में डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे कैटेगरीज, हाँ गेम फैक्ट्री कैटेगरी, इसके लिए वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, आप समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो मेरा गेम फैक्ट्री रहेगा, गेम फैक्ट्री गेम के बारे में आपको बताऊँगा। अभी मैं डिस्कस करता हूँ कि मशीन का आई डी या कोई कैसे भी मैंसन रहेगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ तो उसकी हम उसको कैसे नंबर सिस्टम होगा, नंबर ही सिस्टम रहेगा, कैसे एसओपी होगी, तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट आपको नंबर देना पड़ेगा, आपको तो उस अकॉर्डिंग यू आर एस का आपको नंबर दे सकते हैं, और जो भी नंबर देना चाहते हो आप यू आर एस है
ईयर है, मशीन आईडी, मशीन आईडी के अकॉर्डिंग सकते हो, इसका वर्जन बस वे 0.0 भी कर सकते हो, 0.1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो भी आप कर सकते हो, मतलब यू आर एस फर्स्ट, अगर आपका यू आर एस सेकेंड है तो यू आर एस सेकेंड, तो आप जो भी कर सकते हो ऐसा कर सकते हो, कोई तो नहीं आपके नंबर ही सिस्टम के ऐसे कोई क्या बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इस पर नंबर मिल जाएगा। सबसे फिलिंग मशीन आपको सबसे नहीं फिल कर देना, अब मैं डायरेक्ट आपको स्विच करता हूँ, रिक्वायरमेंट स्विच करता हूँ आपको। हाँ, इसके लिए फर्स्ट यू आर एस में आपको देना है अप्रूवल लगता है, मैंने आपसे क्या बोला कि पर्यावरण कंप्लायंस में क्या है, हर चीज़ का एक अप्रूवल लगता है। फार्मास्यूटिकल कंप्लायंस में क्या है, हर चीज का एक अप्रूवल लगता है, तो आपको पता है, तो आपको पता है हर चीज का अप्रूवल लगता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे किसने बनाया, यहाँ पे किसने बनाया, आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन है, किसने बनाया, इसका सिस्टम का मालकाना ऑनर कौन है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट जो टीम लीड कर रही है, सिस्टम की बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट लीड, प्रोजेक्ट लीड किसका है ना, क्यूएमएस कंप्लायंस साइड से कौन देख रहा है, इसको यूआरएस आपको रिव्यू करेगा, है ना, ये क्यूए लीड अप्रूव, कौन कौन मतलब आपकी जो टीम मेंबर है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि आपको मशीन खरीदना है, तो मशीन में आपको सारे से बहुत सारे पार्ट्स रहेंगे, आपके अप्रूवल फेसिंग रहेगा आपका, जैसे वैलिडेशन लीड है, वैलिडेशन टेक्निकल लीड है, सिस्टम आपका अप्रूवल कंप्लायंस पार्ट रहेगा, कंप्लायंस लीड कौन कर रहा है, कंप्लायंस साइड से वैलिडेशन अप्रोच को आपका टेक्निकल ओनर कौन रहेगा, सिस्टम ओनर कौन रहेगा, आज पे ठीक ही रहेंगे, 3-4 ओनर रहेंगे, तो मालिक रहेगा, सिस्टम ओनर रहेगा, तो टेक्निकली समझेगा आप कौन रहेगा, टेक्निकल ओनर रहेगा, एक क्यूए से रहेगा, क्यूए वैलिडेशन रहेगा, और जो अप्रूव करेगा वैलिडेशन अप्रूवल रहेगा। ये आपका एक डॉक्यूमेंट जाएगा, आपका कंटेंट, आपके पर्पस, स्कोप, स्कोप आउट ऑफ स्कोप, एजेस सिस्टम, सिस्टम क्या है, न्यू सिस्टम, मतलब देख सकते हैं कि आपका लेगेसी सिस्टम है, तो आपको अपडेशन कराया, तो पुराना सिस्टम के बारे में क्या था, नए सिस्टम आपके बारे में क्या, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात लगता है यू आर एस। चलो अब नेक्स्ट डिस्कस करूँगा आपसे पर्पसेस करते हैं, पर्पस के सब क्यों लगाना चाहते हो, इसको आपके स्कोप में क्या क्या आने वाला है, आर्ट ऑफ स्कोप में क्या क्या, सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सॉफ्टवेयर कॉलेज में नंबर आ रहे हो, सॉफ्टवेयर कॉलेज में क्या क्या रहेगा, उसके आउट ऑफ स्कोप, सॉफ्टवेयर के आउट ऑफ स्कोप में क्या क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अवेलेबल, स्कोप सॉफ्टवेयर, प्रिंटर बाहर के आइटम, आउट ऑफ स्कोप, ओके, आप ये समझ सकते हो इन स्कोप और आउट ऑफ स्कोप, मशीन के अंदर जो आपका सॉफ्टवेयर के अंदर जो रहेगा वो है इसको, और जो नहीं रहेगा बाहर की पार्ट से इंपैक्टेड नहीं करता है, तो आपका आउट ऑफ स्कोप में आ जाएगा। ये अपनी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूनिट प्रोसेस रिक्वायरमेंट, फिनिश कंट्रोल रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, तो अब बिजनेस प्रोसेस रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, इंटरफेस सिक्योरिटी इंक्लूड डेटा रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर रिक्वायरमेंट, माइग्रेशन रिक्वायरमेंट, डेटा आर्काइव एंड रिस्टोरेशन रिक्वायरमेंट, अदर। अब बात सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर ये सब चीजें हमको रिक्वायरमेंट होना चाहिए, कौन कौन सी, जैसे रिपीट कर रहा हूँ मैं, बिजनेस प्रोसेस रिक्वायरमेंट आपका, बिजनेस प्रोसेस कंट्रोल रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, इंटरफेस रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये सब बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, इनके सब पार्ट भी, एक पार्ट और इनके सब पार्ट भी रहेंगे, तो इनका कैटेगराइजेशन कर दिया कि भैया ई पी आर डी 01, मैं आपको अन्य डिस्क्रिप्शन समझाऊंगा आपको, तो ये रिक्वायरमेंट हो गई, और इन रिक्वायरमेंट कौन कौन सी, सब रिक्वायरमेंट रहेगा अपनी प्रोसेस रिक्वायरमेंट आएगी, तो रिक्वायरमेंट है बिजनेस प्रोसेस रिक्वायरमेंट। अब इस रिक्वायरमेंट में एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, इसको देर में समझिए, आप ये कि मैं एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ, बिजनेस प्रोसेस रिक्वायरमेंट। अब इसके अंदर कौन सी रिक्वायरमेंट आएगा, सिस्टम शैल बी एबल टू क्वांटिटी बेस्ड एज पर द
हियर्स अ सेट पॉइंट इज प्लीज प्रोसेस कर सिस्टम शेल अलार्म लॉग होना चाहिए ऐसा कि सिस्टम प्रोसेस की बता दें टू प्रोसेस की। अब उस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए, प्रोसेस अलार्म जनरेट होना चाहिए जिस प्रोसेस रिक्वायरमेंट है, डेटा भी जनरेट होना चाहिए जिस प्रोसेस रिक्वायरमेंट है। अब वो डेटा अलार्म को जनरेट कंट्रोल करने के लिए क्या वो रिक्वायरमेंट आपके जाएगी उस प्रोसेस को, मैंने बोला कि तीन चार लेवल होना चाहिए सुपरवाइजर एडमिन लेवल होना चाहिए और कोई अलार्म आता है ओनली अपलोडेज कर सकता है ऑपरेटर कर सकता है उसका नाम भी अनपेंटेड होना चाहिए। इसके नाम पर अपलोडेज किया किस व्यक्ति ने किया, इंजीनियर ने किया सुपरवाइजर ने किया किस व्यक्ति ने उस चीज का नाम पर अपलोडेज किया रीसेट किया वो सब कंट्रोल। हमारा डेटा बैकअप आया, अब डेटा बैकअप किसने लिया किसे जनरेट किया ऑटो बैकअप जनरेट हुआ कि नहीं हुआ सब नहीं। आप जो भी रिक्वायरमेंट है उसको अनावश्यक टेक्निक इंसर्ट ना कर पाए वो मिस रिक्वायरमेंट है। अब उस रिकॉर्ड कंट्रोल करने के लिए क्या है फिनिश कंट्रोल आपको रिक्वायर सिस्टम सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। अब सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट क्या है इस पासवर्ड है पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड मार्क से अनऑथराइज्ड पर्सन नॉट एंटर द अनदर यूजर आईडी तो अनऑथराइज्ड यूजर आईडी एंटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट मतलब 10-3 बार वो डाले पासवर्ड ब्लॉक हो जाना चाहिए। सिक्योरिटी सिस्टम को बचाने के लिए रिक्वायर सिस्टम अनावश्यक अटैक नहीं कर सके अटैक नहीं कर सके डेस्कटॉप कर सके हार्ड डिस्क पे ना जा सके डेट एंड टाइम सेट नहीं कर सकता कर सके तो ये सब रिक्वायरमेंट आपकी आती है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। ये सिक्योरिटी पार्ट से आता है जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट आता है यूनिक यूजर आईडी होना चाहिए। ये सब रिक्वायरमेंट की लिस्ट है मैं आपको एक मेरा आप वेबसाइट पर जाएंगे आपको पूरा मिल जाएगा मैं आपको लास्ट में बता दूंगा वो आपकी रिक्वायरमेंट आपको रहेंगे। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आती है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में क्या होगा रिपोर्ट जनरेट होगी वो नॉन एडिटेबल रिपोर्ट फॉर्मेट जनरेट रिपोर्ट होगी। सिस्टम प्रोवाइड लाइक डेटा क्रिटिकल पैरामीटर पे कुछ होना चाहिए सिस्टम जनरेट रिपोर्ट होना चाहिए वो फॉर्मेट होना चाहिए। ये सब रिक्वायरमेंट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के अंदर आती है। इंटरफेस मतलब कि पीएलसी और आईपीसी उसका कनेक्शन कैसा है इंटरफेस ये आपका अगर सर्वर पर जा रहा है सर्वर से इंटरफेस कैसा है आपका मैं आप डैश सिस्टम लगाए डैश सिस्टम इंटरफेस डेटा एक्विजिशन सिस्टम है मैनी वर्क मैनी नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं आपके सर्वर पीसीस है तो आपको उनका इंटरफेस क्या है ना ये सब रिक्वायरमेंट क्या अकॉर्डिंग आपका सर्वर पर डेटा स्विच होना चाहिए इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए सब रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग आ जाता है आपका पीसी रिक्वायरमेंट आ जाती है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट 7 days पासवर्ड आपका रिस्पायर होगा एवरी 24/7 करना चाहिए सिस्टम कनेक्टेड नहीं कि सप्लाई होना चाहिए आपकी अगर सिस्टम चल बंद हो जाता है तो आपका चालू होना चाहिए ये रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो ये मतलब बैंडर को बता रहे हैं सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए सिस्टम बंद मशीन का जी रहा हूँ मैं ये सिस्टम आपको यूपीएस देना होगा आपको मेरे को ये सिस्टम मेरा बंद नहीं होना चाहिए 24/7 वर्क करना चाहिए तो उसके लिए क्या यूपीएस देना चाहिए तब तक मेरा बैकअप जो है बैकअप ना आ जाए। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक रिक्वायरमेंट इसके रिक्वायरमेंट में क्या रहेगा आपका कि जो भी रिकॉर्डेड है नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में आना चाहिए है ना जो सिग्नेचर आपके जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका फॉर एग्जांपल किसी रिपोर्ट की बैच चलाई बैच चल रहा है मेरा उसकी बैच एंटर की स्टार्ट किया उसकी एंट्री और डिटेल में आना चाहिए और जो रिपोर्ट जनरेट होगी उसकी भी एंट्री और डिटेल आना चाहिए उस व्यक्ति का नाम भी आना चाहिए कि भैया टाइम बनाना दिखाना व्यक्ति उसको स्टार्ट करवाया दिखाना सॉरी उस व्यक्ति ने बैच को स्टार्ट किया उस व्यक्ति ने बैच को स्टार्ट किया प्लस बैच का ड्यूरेशन क्या रहा किस व्यक्ति ने पेंट का रिपोर्ट मारा रिपोर्ट किया किस व्यक्ति का सिग्नेचर किया ये सब आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिग्नेचर करना चाहिए। हर व्यक्ति की हर चीज़ें पैरामीटर बैच स्टार्ट करने पर आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पर एक्टिविटी इस कंपनी में आपको इंश्योर डैट ये भैया बैच में स्टार्ट आर इज श्योर टू स्टार्ट अप बैच एक पॉपअप जनरेट होना चाहिए बैच स्टार्ट करेगा और एस टिक एस किया एक पॉपअप जनरेट होना चाहिए तो प्लीज पुट द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूजर नेम डाले पासवर्ड स्टार्ट बैच स्टार्ट होगी। अब बैच में स्टॉप करना चाहता है तो क्या हुआ यूजर नेम होना चाहिए एक पासवर्ड एंड स्टॉप अब जो सिग्नेचर डाला है राइट ट्रांसफर होना चाहिए आपका वही आपका सिग्नेचर है और जो एंटर में किया है अपने और
तो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वॉशरूम में देखा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर नहीं डलवाते हैं, तो बस यूजर को लॉग इन किया और कोई स्टॉप कर गया। अगर मान लो यूजर को चला जाता है क्या होगा, स्टार्ट अनदर पर्सन जाएगा, स्टॉप स्टार्ट बैच चल रहा है, चलते चला गया, इमरजेंसी चला गया तो स्टॉप नहीं, अनदर व्यक्ति आया और स्टॉप कर दिया, नाम उस बंदे का छपा, बेचारा फंसा हुआ। तो भैया मैं रिकमेंड ऐसा रहेगा कि स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक चेंज करना चाहिए, और जो समय स्टॉप करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक चेंज करना चाहिए। मतलब मैं कहता हूँ कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, यूजर पासवर्ड तो आना ही चाहिए, पासवर्ड यूनिक आईडी, यूनिक आइडेंटिटी हर चलाने के लिए, तो पासवर्ड आने चाहिए। सबसे जरूरी चीज आपकी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग सिग्नेचर आ जाएगी। माइग्रेशन रिक्वायरमेंट, मतलब सिस्टम मेरा अगर मेरा माइग्रेट करता हूँ ऊपर से वर्जन पे जाता हूँ तो सिस्टम को इजीली माइग्रेट करना चाहिए। तो आता बेटा बैकअप, आर्काइवर, ऑटो बैकअप फैसिलिटी है, इन बैकअप फैसिलिटी रिक्वायरमेंट जो है चाहिए। अदर रिक्वायरमेंट आपकी जो भी अदर रिक्वायरमेंट रहेगी, वो अदर रिक्वायरमेंट कर। तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ, आपकी जो रिक्वायरमेंट सिस्टम प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट है वो आपको डॉक्यूमेंटेशन लिख के जाना है और वेंडर को आपको देना है। वेंडर कौन कंप्लाई करेगा, मैं कंप्लाई करके मेरे को देगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट का फ्लो बता देता हूँ आपको। तो सर क्या होता है सिस्टम बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री में क्या होता है कि हम सिस्टम आने से पहले डिफाइन कर लेते हैं, हमको ये प्लानिंग, हमको ये मशीन इंस्टॉल करना है, टेबल कंप्रेसर इंस्टॉल करना है, इतना इतना एरिया चाहिए, इतना इतने एरिया में ये रहेगी, हमको कौन कौन सी वेरिएशन अप्रोच या कौन कौन सी चीज़ों को हमको करना है। फिर हमारा यूआरएस बनेगा, यूआरएस के बाद हमारा जीएस पे असिस्टमेंट करेंगे, हम डिफाइन करेंगे कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर को का दिख रहा होगा। मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, मतलब किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है उसके बारे में मैं डिसाइड करूँगा कि कैटेगरी 3 में आ रहा है, कैटेगरी 4 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 1 में। इसके बारे में सेपरेट वीडियो, हर चीज़ का अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, यूआरएस पर, सीएस के बारे में, कंप्रेसर कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन के बारे में, डिजाइन के बारे में, आईक्यूओ के बारे में, तो सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा। तो आपको बॉस सी एस डी एस एफ ए टी एस ए टी ए कैसे करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा, तो तब आप उसको अगर आप इफ एनी के कोई डाउट आपको लगता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर कमेंट कर तो उसे पूछ सकते हैं, डाउट रहता है मुझसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको उसमें जैसे जैसे जितना ही पॉसिबल होगा मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो यूआर सर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाए और अपनी क्वेरीज को पुट अप करें, और कोई भी डाउट होता है ना आपको डाउट करने की करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा तो नेक्स्ट जीएसटी के असिस्टेंट के लिए बात करूँगा, जीएसटी असिस्टेंट और गेम फाइव के लिए रिगार्डिंग मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, आपको उसमें पूरा ब्रीफ करूंगा और ब्रीफ रहेगा मेरा कैसे गेम फाइव को कैटेगराइज करते हैं, कौन सॉफ्टवेयर को हमें किस कैटेगरी को लेना है, बस आपको गेम फाइव के बारे में नेक्स्ट बताऊंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, वॉच एट प्लीज और सब्सक्राइब माई